मज़ेदार बहुत ही चटपटी बनी है ये मटन चॉप्स हमारी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोस्ट हुई हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जो तंदूर पर होती हैं। देखिए बिल्कुल वैसी ही बनी है ये, हमारी यमी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बकरीद के मौके पर ये हमारी रेसिपी ट्राई करें और सबको ये मज़ेदार मटन चॉप्स खिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें के अंदर, और इसे डाल के इसे कवर करके हमें इतना कुक करना है कि 80% कुक हो जाए। ये देखिए हमने 4 विसल के बाद इसे खोला है तो ये अच्छे से डन हो गई हैं 80%। और बस इसका पानी को हम ड्रेन कर देंगे, इस पानी को आप फेंकिएगा नहीं, बहुत ही अच्छी यखनी होती है, बच्चों को पिलाइए बहुत फ़ायदा देती हैं। अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/4 कप इसमें दही डाला है, मैरिनेट करेंगे इसे। इसमें हमारा ये होममेड तंदूरी टिक्का मसाला है जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर है, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पर भी। ये 4 टेबलस्पून तंदूरी टिक्का मसाला है, सॉल्ट हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिलीज़ है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी लिए, 1/2 टीस्पून हमने गर्म मसाला पाउडर लिया है। बस यही मसाले इसमें डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी चटपटी हमारी मटन चॉप्स बनेंगी। इसमें हम कोई बेसन नहीं डाल रहे, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे, क्योंकि हम इसे ग्रिल करेंगे, तंदूरी बनाना है हमें, इसे रोस्ट करना है हमें। इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से इसके मसाले अब्जॉर्ब हो जाएं, और इसे हमें कोयले का स्मोक देना है, यानी कोयले को जल गर्म करके चूल्हे पर, और हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, ये हमने मीडियम फ्लेम रखी है। तो अच्छे से ग्रिल पैन को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और जो हमारी मटन चॉप्स हैं वो हम इस पर रख देते हैं, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करना है, क्योंकि ये अंदर से 80% तो डन है, तो इसलिए हमें इसे कवर करके तो रखना नहीं व्यूअर्स, बस हमें इसे रोस्ट करना है, सेकना है। तो ये देखिए कितने अच्छा ये हमारा सेक रहा है। आप पैन पे भी ऐसे ही बना सकते हैं, जब एक साइड इसकी हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए, और चारों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। देखिए कितना अच्छा हमारा फ्राई पैन पर भी बन गया है, तो अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप बकरीद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स।